अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फारूक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो में, एक नए सेक्टर में सजाने के उस तक मौजूद है। सजाने के सेक्टर 15 के अंदर, सेक्टर 15 के अंदर यहां मौजूद हैं। और यहां पे हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सेक्टर 15 की वीडियो बनाए। हम यहाँ पर आए हैं, बड़े दूर दराज इलाका है और सन्नाटा बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम सेक्टर 15 के अंदर मौजूद हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। हम आपसे हर वीडियो में ये कहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार मोहब्बत दीजिए। अच्छा, ये सेक्टर 15 के अंदर हम मौजूद हैं। ये सेक्टर 15 है किधर, किस तरफ है, ये मैं आपको बता दूंगा। अगर 4 के चौके से सीधा सीधा आते हैं सरदानी थाना आता है, वहाँ से सरदानी अलगफूर आता है। अलगफूर को अगर हमें सामने पीछे देखें तो अलगफूर आपको बना हुआ नज़र आ रहा हुआ। यहाँ मैं जूम करता हूँ, ये अलगफूर है जी, ठीक है जी, जो जूम कर दिया मैंने, अलगफूर है। अलगफूर से थोड़ा सा आगे एक टर्न आ रहा है जो कि लेफ्ट हैंड के ऊपर है। उस लेफ्ट हैंड के टर्न के ऊपर लेते कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, उस कच्चे रास्ते को सीधा सीधा आप आते हैं तो आपके पास आता है ये फलकनास। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, देखिए फलक है यहाँ पर, फलकनास है। फलकनास का आखिरी कॉर्नर, फलकनास का आखिरी कॉर्नर जब ख़त्म होता है तो उससे जब आप आगे आएंगे तो उससे आगे आके ये आएगा सेक्टर 15। ये पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल अनजान इलाका है। यहाँ पे ना कोई अभी ना रहने वाला, ना सुनने वाला, ना रोड, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं बना हुआ यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर बिल्कुल बयाबान जंगल की तरह है एक तरीके से। और तक लगभग मेरे लिए किसी नए बंदे के लिए यहाँ आना लगभग बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, सेक्टर 15 में है क्या बेसिकली, क्यों आए हम यहाँ पर, किस लिए वीडियो बनाई है? तो बहुत से लोगों का ये था कि सेक्टर 15 में क्या कब्जे हो चुके हैं, सेक्टर 15 में क्या मामला थे, प्लॉट क्या है, रेट क्या है, उन्होंने बैलेट की फाइलें ली थी KDA गवर्नमेंट से, क्या अब तक वो जिंदा है या मर गई हैं। तो देखें, ये मेरे जो सीधे हाथ पे, ये जो उल्टा हाथ मेरा चल रहा है, ये है लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस पर तो आपने अभी कोई प्लॉटिंग वगैरह नहीं हुई है, ये लाजमत है बिल्डर्स वगैरह के लिए, पहाड़ है, इस पर कोई प्लॉटिंग नहीं दी गई है। जबकि मेरे सीधे हाथ पे जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इलाका, इस इलाके में प्लॉटिंग दी गई है। KDA के लोगों जो बैलेट की जो फाइलें हैं वो इस इलाके में दी गई हैं, जिसमें 65 गज भी है, 80 गज भी है, 120 गज भी है, ठीक है जी। ये आपको दी गई है जगह यहाँ पर, ठीक है। इससे आगे मेरे जाने की सख्त नहीं है, लेकिन इससे 2 मिनट की, अगर मैं दो मिनट करीबन अगर मैं ड्राइव करूँ बाइक की, 2 मिनट की बाइक अगर ड्राइव करूँ तो मैं एन सेक्टर 15 के बीचों बीच में मौजूद हो जाऊँगा। अभी मैं बीचों बीच मौजूद नहीं हूँ सेक्टर 15 के, स्टार्टिंग में हूँ, बिल्कुल बीचों बीच नहीं हूँ, स्टार्टिंग में हूँ मैं। इससे आगे मेरे लिए जगह नहीं जाने की, और मैं मुनासिब भी नहीं समझ रहा कि इससे आगे मैं जा सकूँ। तो मेरे लिए यहाँ तक भी आना बड़ा मुश्किल था। मैं फिलहाल यहाँ आपकी मोहब्बत के अंदर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बोला था कि सेक्टर 15 की वीडियो बना दें, तो सेक्टर 15 की मैंने वीडियो यहाँ बना दी। क्या फैमिलीज़ वगैरह यहाँ आ सकती? बिल्कुल नहीं आ सकती फैमिलीज़ यहाँ पर, क्योंकि इलाका इस तरह का नहीं है कि फैमिली वगैरह को यहाँ लेके जा सके। क्या आप आ सकते हैं? अकेले नहीं आइएगा भाई, आएँ तो किसी के साथ आएँ। मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ, लेकिन आप किसी के ना किसी के साथ आएँ यहाँ पर। यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या रेट चलती? बिल्कुल नहीं आ सकती फैमिलीज़ यहाँ पर, क्योंकि इलाका इस तरह का नहीं है कि फैमिली वगैरह को यहाँ लेके जा सके। क्या आप आ सकते हैं? अकेले नहीं आइएगा भाई, आएँ तो किसी के साथ आएँ। मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ, लेकिन आप किसी के ना किसी के साथ आएँ यहाँ पर। यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या रेट चलने से? कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, कोई रेट नहीं है, क्योंकि वजह है कि यहाँ पर कोई चीज़ ना बेची जा रही ना खरीदी जा रही है, क्योंकि इस इलाके का भी कुछ पता ही नहीं है कि आगे होना क्या है। क्या इस पर कब्ज़ा है भाई? कब्जा भी नहीं है इस वक्त। क्यों नहीं है कब्जा? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अभी कब्जा भी नहीं है। और एन मेरे आप देखोगे कंटेनर एक सामने जा रहा है, बिल्कुल मेरे सामने सेक्टर 14 भी है। इंशाल्लाह सेक्टर 14 की वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे। तो सेक्टर 15 ये है, यानी कि ना यहाँ रोड है, ना यहाँ पर किसी किस्म की फैसिलिटी, ना कोई आदम है, ना आदम की ज़ात है। क्या यहाँ पर, हाँ, अलगफूर अगर ये जो बन रहा है सेक्टर 12 के बाद बन रहा है अलगफूर, अगर ये अलगफूर कामयाब हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर शायद सेक्टर 15 में कुछ हलचल मौजूद हो, कुछ हलचल हो। फिलहाल सेक्टर 15 के अंदर कोई भी हलचल नहीं है। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही है भाई, ये सेक्टर 15 के अंदर हम मौजूद हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के मोबाइलों से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दूर दराज से इलाके आते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। लीगल सोसाइटीज़ की वीडियो बनाते हैं, जो लीगल सोसाइटीज़ होती हैं, आप जो इलाका एक्सप्लोर करने के तब वो एक्सप्लोर करते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यहाँ का रास्ता बड़ा उबड़ा खाबड़ है, मैं इंशाल्लाह रास्ते की भी कुछ वीडियोज़ आपको दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये सेक्टर 15 से जाते वक्त की वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने आते वक्त की वीडियो इसलिए बनाई कि हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारा जो मोबाइल है ये हमसे ना छिन जाए। तो अभी ना हो हम कम्फर्ट शायद ना ऐसा मामला शायद ना हो, तो मैं जाते वक्त की वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें किस तरह का वीडियो बन रहा है, तो किस किस्म का रोड है, ये है वंडर सिटी। ये वंडर सिटी
सिटी फलकनाथ वालों का वंडर सिटी का बिल्कुल लास्ट हमारा कॉर्नर है, उससे आगे जाके ये सेक्टर 15 का स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट आ रहा है, मैं उसी रस्ते से लेके चलता हूँ जिस रस्ते से मैं यहाँ पर आया था। अब यहाँ से मैं सीधा निकल रहा हूँ, ये भी बड़ा ऊपर खावड़ा सा रास्ता है जरा, ठीक है। नाले पूरी तरीके से बर्बाद तबाह हो चुके हैं। ये चल रहा है भाई अलगफूर का जो प्रोजेक्ट है, अलगफूर रेजिडेंसी, वो ये है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये अगर हो जाए तो अलफिर सेक्टर 15 के अंदर कोई हलचल होगी, अदरवाइज सेक्टर 15 के अंदर कोई हलचल नहीं है, ठीक है जी। सेक्टर 15 के अंदर कोई हलचल अगर ये कामयाब हो जाए तो ये देखिए किस तरह का रोड है। अभी कुछ सोसाइटीज ने यहाँ काम करा अपने सोसाइटी के अंदर, तो हमारे लिए यहाँ आना पॉसिबल भी हो गया है। लेकिन उससे पहले कि ये बाउंड्री थी, ये किसी ने बाउंड्री करवाई हुई थी, ये बाउंड्री तोड़ी है जी, ठीक है जी। ये किसी ने बाउंड्री वगैरह करवाई थी तो ये तोड़ दी गई है। ये इंक्रोचमेंट जब हुई थी शायद आपको याद हो कि इंक्रोचमेंट का बड़ा दौर चल रहा था अभी आज से कुछ महीनों पहले, तो इस इंक्रोचमेंट में ये बाउंड्री तोड़ी गई है, उन्हें ये बाउंड्री यहाँ पे थी। अलगफूर के अंदर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, अलगफूर का बैक साइड है, देखें अलगफूर में बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, नॉन स्टॉप सारी छतें भरी जा रही हैं भाई, नॉन स्टॉप काम चल रहा है, सही जी। तो ये हम जा रहे हैं वापस और निकल रहे हैं वापस इधर जा रहे हैं। ये आ गया रोड, ख़राब तरीन रोड, और बारिशों में तो पता नहीं यहाँ क्या होता हुआ, अभी इसका यह हाल है तो बारिश में पता नहीं क्या होता हुआ। तो ये है सेक्टर 15 की कहानी थी भाई, ये रोड बता दिया मैंने। अब मैं आपको उस रोड तक जाके वीडियो बना दूँगा जहाँ से आप इजली कम्फर्टेबल आ सकते हैं। ये है जामा मस्जिद मदरसा अनूर नबी। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने रुकना है, यहाँ से आपने कट देना है तो आप सेक्टर 15 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।